देश में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं, लेकिन हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, इसलिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इस वक्त मैं हर की पौड़ी पर मौजूद हूँ। यहाँ की कुछ तस्वीरें आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। ये पीछे हर की पौड़ी के जाने का मुख्य मार्ग है। यहाँ से लगातार जो श्रद्धालु हैं वो बेरोटोक जा रहे हैं। कुछ पुलिस के जवान यहाँ मुस्तैद हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की कोई भी टीम यहाँ मौजूद नहीं है। जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं बेरोकटोक यहाँ से हर की पौड़ी सीधे जा रहे हैं। इस बात से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्वास्थ्य विभाग भले ही बड़े बड़े दावे करे कि किस तरह से वो कोरोना को रोकने के लिए कदम उठा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ पुलिस के दो तीन जवान ही मौजूद है जो उनको सैनिटाइजर और मास्क लगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की कोई भी टीम यहाँ मौजूद नहीं है। सैनिटाइजर की यहाँ एक मशीन लगाई गई है, लेकिन कोई भी यहाँ पर ऐसा जवान या कोई ऐसा स्वास्थ्य विभाग का अधिकारी कर्मचारी मौजूद नहीं है जो उनको यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को ये प्रेरित करे कि आप सैनिटाइज कीजिए और यहाँ पर मास्क लगाना जरूरी होगा। और बेरोकटोक श्रद्धालुओं को यहाँ से भेजा जा रहा है। पुलिस के दो तीन जवान यहाँ मौजूद हैं जो ये कह रहे हैं कि आप सैनिटाइज का इस्तेमाल कीजिए और मास्क लगाइए। उसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ मौजूद नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोपहर के टाइम यानी कि सुबह 6 बजे से लेकर और 10-11 बजे तक यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, उसके बावजूद भी यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की टीम अभी तक मौजूद नहीं है। तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश में जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसके बाद हरिद्वार इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ पर कुंभ का आयोजन हो रहा है। और कुंभ के आयोजन के लिए जिस तरह से मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने साफ ये कह दिया है कि यहाँ आने वाले किसी भी श्रद्धालुओं की कोई भी रोक टोक नहीं की जाएगी, बिना पाबंदी के वो आ सकते हैं, उसके बाद से हरिद्वार में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब इस बात से क्या ये कहा जा सकता है कि यदि स्वास्थ्य विभाग और मेला प्रशासन सतर्क नहीं हुआ तो फिर एक बार हरिद्वार में कोरोना के मामले बढ़ सकते हैं। हरिद्वार से अपने सहयोगी संजय कुमार के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।